हेलो एंड वेलकम टू योर स्मार्ट न्यूज चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करें सबसे बड़ी खबर के बारे में। जी हां, महाराष्ट्र में एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ाने की बात तेज हो गई है। कल ही स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से घोषणा की गई कि 31 मई तक के लिए लॉकडाउन को महाराष्ट्र में आगे बढ़ाया जाएगा। इसके पीछे मुख्य वजह बताई जा रही है कि राष्ट्र में जी हां कोरोना की महामारी फैली हुई है। सिर्फ महाराष्ट्र में हालात थोड़े बेहतर है, लेकिन इसे और बेहतर बनाने के लिए लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाना बेहद जरूरी है। इसके पीछे दो कारण बताया जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना से लड़ने के लिए सरकार के पास एकमात्र विकल्प है लॉकडाउन और दूसरा है वैक्सीनेशन। लॉकडाउन करने के बाद ही कोरोना की रफ्तार पे थोड़ी कमी आई है। दूसरी तरफ अगर वैक्सीन की कमी खत्म हो जाएगी, उसके बाद जो है वैक्सीन यहां पर सबको लगा दिया जाएगा, उसके बाद ही लॉकडाउन को खोला जा सकता है। इस प्रकार की जो दलीलें हैं सरकार के द्वारा दी जा रही है, लेकिन अभी तक उद्धव ठाकरे जी ने इसके ऊपर मुहर नहीं लगाई है। यानी अभी तक जो भी आप कुछ सुन रहे हैं कि लॉकडाउन बढ़ चुका है, जी हां बढ़ेगा जरूर, ये बात तय है, लेकिन कुछ कारणों के साथ, जी हां कुछ नए नियमों के साथ। यानी जो नियम पहले लागू थे, एक महीने से सभी दुकानों को बंद करने के निर्णय थे, सिर्फ एसेंशियल सर्विस से जुड़े लोगों को ही जो अनुमति थी, लेकिन अब उसमें फेरबदल किया जाएगा। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, कुछ दुकानों को अनुमति मिल सकती है इस एसेंशियल सर्विस के समय में, यानी सुबह 7 से 11 के भीतर, चाहे वो एसेंशियल सर्विस में आए या ना आए, क्योंकि लोगों को सबसे ज्यादा जरूरी है जीवन यापन के लिए जी हां सोर्स ऑफ इनकम, और सोर्स ऑफ इनकम उनकी दुकानें हैं। अगर दुकानें ना खुलेंगी तो आने वाले समय में उनकी दुकानें पूरी तरह से ठप हो जाएंगी, लोग कर्जे में डूब रहे हैं, क्योंकि सरकार इन बातों पर ध्यान नहीं दे रही है। जान तो रहेगी लेकिन जहान नहीं रह जाएगा, क्योंकि सरकार को चाहिए कि या तो सभी के खाते में 6,000 रुपए की आर्थिक मदद की जाए, या फिर दुकानदारों के लिए GST वगैरह में कुछ कटौती कर सकते हैं, या फिर किराया माफी की बात सरकार से कभी बार जो है लोगों ने अपील किया, लेकिन सरकार ने अभी तक इसके ऊपर कोई अहम निर्णय नहीं लिया। तो जी हां दोस्तों, जब तक उद्धव ठाकरे जी सरकार इस पर मुहर नहीं लगाती, तब तक लॉकडाउन नहीं बढ़ा है। जी हां, आप इस बात को विशेष ध्यान रख लीजिए।